हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं शुभेन और आज हम बात करने वाले हैं मैक मिनी M1 के बारे में। ये बहुत ही ऑसम प्रोडक्ट एप्पल की तरफ से निकला है जो काफ़ी क्रेजी है, और मैंने बहुत 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 ही ज़्यादा रिसर्च करने के बाद ये प्रोडक्ट खरीदा है। काफ़ी समय से मैं एक कंप्यूटर या एक लैपटॉप खरीदना चाह रहा था जिसमें काफ़ी पावर हो, जो मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ उसके लिए मेनली, और कंप्यूटिंग पावर भी होनी चाहिए जैसे कि अगर मैं गेम्स खेल रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ तो उसके लिए मेरे को एक बहुत अच्छा पीसी चाहिए था। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मेरे को अभी इस समय यही प्रोडक्ट लगा। आप देख सकते हैं ये मैंने मैक का प्रोडक्ट खरीदा है जो 2013 के बाद अब मैंने ये प्रोडक्ट खरीदा है। 2013 तक मैं मैकबुक प्रो यूज़ कर रहा था, उसके बाद मैंने मैकबुक प्रो यूज़ करना बंद कर दिया था बिकॉज मेरे को काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत थी जो मैक इतना सपोर्ट नहीं कर रहा था, और इंडिया में रहने की वजह से एक्सेल वगैरह ज़्यादा, अगर मैं जॉब पे भी जा रहा था कहीं तो फिर वहाँ पर भी विंडोज़ के ही कंप्यूटर्स मिल रहे थे मेरे को यूज़ करने के लिए। तो मैंने अपना मैक सेल ऑफ कर दिया और फिर अब जाकर 2021 में मैंने मैक का एक प्रोडक्ट खरीदा है, क्योंकि ये सुपर वैल्यू फॉर मनी है, बहुत अल्टीमेट प्रोडक्ट है। इतनी ज़्यादा पावर 70,000, 60-70,000 के रेंज में कोई भी कंप्यूटर आपको नहीं देता है। अगर आपको कुछ भी पावर चाहिए और आपका बजट 40-45,000 तक पहुंच रहा है तो आपको एप्पल प्रोडक्ट ही लेना चाहिए। मैंने M1 मैकबुक एयर और मैकबुक प्रो वो दोनों नहीं ली, इसलिए क्योंकि मेरे को पता है आगे आने वाले समय में डिज़ाइन रिवैम्प होने वाला है और चेंजेस आने वाले हैं डिज़ाइन के अंदर, तो इस वजह से मैंने उनको नहीं खरीदा। प्लस वो M1X की जो सीरीज़ आएगी वो काफ़ी ज़्यादा और पावरफुल होगी। मेरे को बजट का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, इस वजह से मैं ये सोचता हूँ कि अगर वो महंगी भी आएगी तब भी मैं उसको खरीद लूँगा। प्लस मेरे को 16 इंच या 17 इंच अगर वो निकालता है एप्पल तो मैं वो प्रेफर करूँगा खरीदना रादर दैन 13 इंची का अभी खरीद लूँ छोटा वर्जन जिसका डिज़ाइन रिवैम्प नहीं हुआ है। तो डिज़ाइन में ये कह रहे हैं कि बेजल लेस डिज़ाइन कर देंगे, या 14 इंच और 16 या 17 इंच M1 चिप आएगी, M1X चिप आएगी नए मॉडल्स के अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अनबॉक्स करते हैं इस डिवाइस को, जो बहुत ही सही है। जो मेरा मॉडल है ये 8 GB रैम और 256 GB स्टोरेज के साथ आता है, M1 चिप के साथ आता है, और जिसके अंदर 8 कोर आपको इसके अंदर आपको 8 कोर CPU और 8 कोर GPU मिलते हैं 60 न्यूरल इंजन के साथ। तो इसको अनबॉक्स करते हैं, ये मैं आपके सामने अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। ये फ्रेश प्रोडक्ट है, दिल्ली में मेरे को ढूंढने में बहुत टाइम लग गया था और दिल्ली के हर कोना मैंने छान लिया इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, क्योंकि ये कम्प्लीटली आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है। अभी भी बाहर से अगर देखो एप्पल भी प्रोडक्ट्स ये बेच रहा है, अगर आप एप्पल की साइट से ऑर्डर करते हो तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर आप खरीदना चाह रहे हो, और पता है मेरे को कितनी एक्साइटमेंट हो जाती है नए प्रोडक्ट खरीदने की, तो काफ़ी टाइम लग सकता है आपको ये डिलीवर होने में, तो उस हिसाब से आप इसको ऑर्डर करना। अब ये धीरे धीरे करके मैंने ऑब्वियसली अनबॉक्स कर दिया है और ये आप एप्पल का प्रोडक्ट देख सकते हो, और इसको उठाते हैं और ये एकदम सॉलिड लग रहा है। दो इसके ऊपर हल्का सा कुछ निशान लगे हुए हैं जो मेरे को इतने पसंद नहीं आ रहे, लेकिन वो कवर के निशान होंगे तो उसको हम स्किप कर सकते हैं। आगे बढ़ें अगर तो काफ़ी अच्छा खासा हैवी है, और इसको हम खोल रहे हैं तो इस तरह की फील आ रही है इसमें खोलने में, एकदम एल्युमिनियम स्लैब की तरह है, मेटालिक बिल्कुल, और काफ़ी सही फिनिश है इसकी ओवरऑल। अगर देखें अभी पूरे पोर्ट्स इसके सील्ड हैं क्योंकि ये फ्रेश प्रोडक्ट है। इसको एक सेकंड साइड रखते हैं और देखते हैं कि अंदर हमारे पास क्या है। यहाँ पे लिखा है डिज़ाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया। इसके अंदर छोटी छोटी मैनुअल्स मिलती हैं हमको जो हम देख सकते हैं, और यूज़र गाइड की किस तरह इसको कनेक्ट करना है, इसको साइड रखते हैं। इसके अलावा एक वायर मिलता है बस हमको, और इसके अलावा और कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता। तो पूरे सेटअप में आपको इसके अलावा दो ही चीज़ें मिलती हैं, दो चीज़ों के अलावा कुछ नहीं मिलता है। एक वायर मिलता है और एक एप्पल मैक मिनी मिलता है आपको। सो दैट्स अबाउट इट। तो चलिए इसके ऊपर चलते हैं और इसके बारे में डिस्कस करते हैं हल्का सा। ये प्रोडक्ट काफ़ी बढ़िया है और इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था मैं इसको अनबॉक्स करने के लिए और खोलने के लिए। स्पेशली इसके लिए मैंने बूम स्टैंड भी मंगाया है, उसकी भी वीडियो आप देख सकते हैं, मैंने टॉप लेफ्ट साइड में लिंक दे रखा है। अगर आप वीडियोग्राफी में हैं तो आप बूम स्टैंड भी ले सकते हैं, जो काफ़ी इकोनॉमिकल पड़ा मेरे को, और उसी से मैंने इसकी वीडियो भी शूट करी है। तो डिटेलिंग काफ़ी अच्छी है। तो इसका जो स्टिकर है इसको हटाते हैं पहले, ये पीछे से स्टिकर हटाते हैं और इसको खोल के देखते हैं। ये इसका स्टिकर रिमूव कर दिया है मैंने, और इधर आप देख सकते हो कि क्या क्या प्रोडक्ट्स और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। सबसे पहले आपका पावर बटन है इधर, और यहाँ पर आपकी केबल जाएगी, इसके साथ एथरनेट का पोर्ट है, और आपको इधर फैन मिलता है, दो थंडरबोल्ट सी के कनेक्टर्स मिलते हैं जो सी टाइप के रहते हैं, उसके अलावा आपका HDMI केबल मिलती है और HDMI का इनपुट करने के लिए, और दो USB टाइप सी मिलते हैं विद अ हेडफोन जैक। सो ये पूरा सेटअप है इसका और काफ़ी सही है।
इसके साथ अगर देखिए जो आपको थंडरबोल्ट मिल रहे हैं इधर, थंडरबोल्ट के साथ आप दो डिस्प्लेज और कनेक्ट कर सकते हो चाहो तो 6K रेजोल्यूशन के साथ, और वो काफ़ी अच्छा रहेगा आपको अगर आप मल्टीपल स्क्रीन्स पे काम करना चाहते हो तो। ओवरऑल ये आपका प्रोडक्ट है जो मैं दिखाना चाह रहा था, और मेरे को लगता है कि आपको ये पसंद आया होगा, बहुत सही है। और कंपेरिजन्स अगर आप ऑनलाइन भी देखोगे, मैं भी आगे लाने वाला हूँ काफ़ी सारे कंपेरिजन्स, अल्टीमेट पीस है और बहुत सही वीडियो एडिटिंग के लिए काम आएगा। फाइनल कट प्रो पे अगर यूज़ करते हो आप तो जो रेंडर करने में आई मैक पे आपको 8-9 मिनट लगते हैं, वो ये मैक मिनी आपका अप्रॉक्सीमेटली 3 मिनट के अंदर कर देता है। वो 5 लाख तक का कंप्यूटर होता है और ये सिर्फ 70,000 रुपये का कंप्यूटर है जो आपका इतना ज़्यादा तेज़ कंप्यूटिंग करता है और आपको वीडियो एडिटिंग, वीडियो फ्लो काम में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत हेल्प कर सकता है। तो एक्सेलेंट प्रोडक्ट है, बिल्कुल मैं आपको बोलता हूँ ये खरीदना चाहिए, बिना सोचे समझे आपको खरीदना चाहिए मैक मिनी। मैंने 8 GB 256 GB मॉडल खरीदा है। आप चाहो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो 16 GB भी खरीद सकते हो, तो आप ये प्रोडक्ट शायद और सालों के लिए चल जाएगा, लगभग 8-10 साल तक आप कर सकते हो। लेकिन मैंने 5 ईयर पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है, 5 ईयर्स तक मेरे को कोई टेंशन नहीं आने वाली, 4K वीडियो एडिटिंग रेंडरिंग में आराम से कर पाऊंगा इस पर। सो दैट्स अबाउट इट। मैंने इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अगर आप चाहो तो वहां से खरीद सकते हो। इसके अलावा आपके पास कोई भी कमेंट्स हो, सजेशन हो, तो बिल्कुल मेंशन करिए नीचे। साइनिंग ऑफ, शुभिन फ्रॉम दिस यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब नहीं करा है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन भी दबा दीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो। सो दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।